नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पायल और मेरे चैनल पायल का ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अधिकतर लोग करेला बनाते हैं तो वो बहुत ही कड़वा बनता है, इसके कारण वो खा नहीं सकते। तो आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि ये करेला किस तरह से बनाएं ताकि कड़वा नहीं लगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए मीडियम साइज़ के करेले, तो हमको लंबी साइज़ के नहीं लेने हैं। इस तरह की मीडियम साइज़ के लेंगे तो इसके अंदर फिलिंग भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, स्टफिंग बहुत ज़्यादा आएगी करेले में। तो यहाँ पर अब हमें इनका छिलका उतार लेना है करेले का। ये छिलका हम पिलर की सहायता से नहीं उतारेंगे, अगर हम पिलर की सहायता से उतारेंगे तो इसका काफ़ी मोटा भाग निकल जाएगा और उसके बाद इसके अंदर जब भी हम स्टफिंग करेंगे तो स्टफिंग ज़्यादा नहीं आ पाएगी, खोखला हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसे चाकू से ही छीलना है। अच्छी तरह छील लेने के बाद में अब हम इसको कट मारेंगे। इसको कट जहाँ से ये अंदर की साइड मुड़ा हुआ होता है उस तरफ से आपको इसमें कट मारना है और इसके अंदर जो भी भाग है वो सभी हमें निकाल लेना है और करेले के ऊपर और नीचे का थोड़ा थोड़ा भाग आप कट मार दें। बीज और इसके अंदर का ये जो भी हिस्सा है वो एक बार आप सभी निकाल लें, जिससे कि ये पूरा खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जिससे कि हमें भरने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये करेला पूरी तरह से खाली हो चुका है और अब जो इसके अंदर का भाग बचा है उसको हम इस तरह से कट करके डाल देंगे और जो इसके छिलके हैं उनको भी हम यूज़ में लेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इनको नहीं ले, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। बाकी ये छिलके भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं इस सब्ज़ी में और बीज भी अगर आपको पसंद है तो आप बीज इनमें डाल दीजिए, वरना बीज को आप साइड में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी करेले तैयार कर लिए, उसके साथ ही प्याज और हरी मिर्च ले ली है। अब हम लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह कूटकर इनका पेस्ट बना लेंगे। और प्याज को छोटे टुकड़ों में काट देंगे। अब हम 2 टीस्पून बेसन एक पैन में ले लेंगे और उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। करीब 1 मिनट तक हमें इसको पकाते हुए एक उबाल जब आ जाए इसके अंदर तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे राई और जीरा। अभी आप इसमें देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है, तो हींग, राई, जीरा ये तीनों हमने इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि इसमें तेल भी है और बेसन भी है तो राई भी साथ में चटक जाएगी। अब इसके अंदर हम जो प्याज काटे थे प्याज मिला देंगे। प्याज को एक बार सही से मिलाने के बाद में हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी इसी में ऐड कर लेंगे। अब इन्हें हमें अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भून जाने के बाद में जो हमने करेले के स्टफिंग के लिए अंदर का जो मसाला था तैयार किया था, उसके बीज वगैरह
और उसके छिलके वो सभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इनको एक मिनट तक अच्छी तरह फ्राई होने देंगे ताकि ये थोड़ा सा नर्म हो जाए। हमें इन्हें ज़्यादा गलाना पकाना नहीं है, सिर्फ नर्म होने तक इन्हें सॉटे करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर, साथ ही थोड़ा सा नमक। इन सभी मसालों को अच्छी तरह इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक पकाने के बाद में इस मसाले का मिश्रण जो है तैयार हो गया है और इस पके हुए मिश्रण को हम एक थाली में खाली कर देंगे। ठंडा होने के लिए हम इसमें खाली कर रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह फैला देंगे। अब ये जो स्टफिंग बनी है, ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है, वो खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो ये स्टफिंग यहाँ पर तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है और जो करेले हमने खाली किए थे, अब थोड़ा थोड़ा करके इनमें मसाला हमें भरते जाना है। इस तरह से करेले को खोलकर मसाला अंदर की तरफ भरना है। फिर हम एक बार करेले को थोड़ा सा दबाएंगे उसके मुंह को और जो भी एक्स्ट्रा निकलता है मसाला उसको हम इस तरह से हटा लेंगे। अच्छे से दबा कर तैयार करें ताकि मसाला निकले नहीं। इसी तरह हम दूसरे करेले भी भरकर तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर सभी करेले भरकर तैयार कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हमें एक एक करके करेला इस तेल के अंदर जमा देना है। सभी करेले तेल के अंदर आ जाने चाहिए। अब इन्हें ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद अब हम इन्हें एक बार उलट फेर कर देंगे, इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है, नहीं तो इनमें से मसाला निकल भी सकता है। एक बार अब इन सभी को अच्छी तरह हमने पलट दिया है। पलटने के बाद इनको एक बार फिर से ढककर रख देंगे। 5 मिनट बाद जब हम देखते हैं तो अब हम इन्हें एक बार फिर से पलटेंगे। यही प्रोसेस हम 2 से 3 बार दोहराएंगे जब तक कि करेले पकते नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि करेले नीचे से चिपक ना जाए या फिर मसाला जो है वो जल ना जाए। इनको फिर से ढककर रख देंगे और इनको पकने देंगे। यहाँ पर हम करेले को थोड़ा सा दबा कर देखते हैं कि करेला टूट रहा है या आसानी से टूट रहा है या नहीं। तो ये हल्का सा कड़क है, बस इसको 1 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। और अब हम इसे खोलकर देखते हैं तो अब हमारी जो करेले की भरवा सब्जी है वो बनकर तैयार है। करेले सभी अच्छी तरह से पक गए हैं।
और ये खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनी सब्जी। इस सब्जी को देखकर तो मुंह में पानी आने लग गया है। और ये बहुत ही ज़ोरदार सब्जी, इसकी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस सब्जी को हम बाहर निकाल देंगे, ठंडा करेंगे, धनिया डालकर आप इसे सर्व कीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।